हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका पास जेबी एग्जाम फॉर गारंटी, यानी हम लोग बात कर रहे हैं कि एकदम 100% गारंटीड हो जाए जेबी एग्जाम को पास करने के लिए। ठीक है, तो पहले जेबी एग्जाम के लिए दो तीन चीजें समझ लेते हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो एग्जाम दे रहे होंगे नहीं भी पास कर पा रहे हैं, ठीक है, और क्यों नहीं कर पा रहे थोड़ा वो भी समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसका मैं पूरा तरीका बताऊंगा जिससे आप पास कर पाएंगे। जेबी अगर आप दे रहे हैं तो ये थोड़ा सा पेपर टफ माना जाता है। इसका रीजन ये है कि लेस देन 7% लोग पास कर पाते हैं। मैं बात कर रहा हूं ऑल थ्री पेपर्स इन वन अटेम्प्ट, यानी एक ही अटेम्प्ट में तीनों पेपर निकालने वाले आपको 7% से भी कम की पॉपुलेशन है। 100 में से 7 लोग या उससे भी कम, बट ये वन अटेम्प्ट है, यानी तीनों पेपर एक बार में निकाल रहे हैं। ये नहीं हो रहा कि एक बार में एक पेपर निकाले फिर अगले बार में एक हो उसके अगले बार में एक, नहीं, तीनों पेपर एक बार निकालने की बात हो रही है। भले वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो, भले सेकंड अटेम्प्ट हो, थर्ड अटेम्प्ट हो, फोर्थ अटेम्प्ट हो, फिफ्थ अटेम्प्ट हो, कोई भी अटेम्प्ट हो, बट तीनों पेपर एक बार में निकाल रहे हो, वैसे 7 लोग या उससे भी कम है। ठीक है, मैक्सिमम आप वैसे मिलेंगे या तो तीनों पेपर फेल हो गए, कोई एक निकला फिर अगले बार दे रहे, कोई एक निकला, इस तरीके से। कितने का तो ऐसा होता है तीनों पेपर नहीं निकल पाए, चारों अटेम्प्ट में मात्र 2 पेपर निकला या एक ही पेपर निकला, फिर से अटेम्प्ट दे रहे। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से पेपर टफ हो जाता है। ठीक है, इसके दो मेन रीजन है। एक आप बोल सकते हैं कि मैकमिलन बुक का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, दूसरा आउटसाइड बुक, जो बुक के बाहर का चीज पूछा जाता है। तो मैकमिलन बुक से अगर आप पढ़ के जाएंगे तो 60% और आउटसाइड बुक का 40%, और ये आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क के पढ़ेंगे तो कहां से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। ठीक है, और ये आप जब एग्जाम देंगे आपको ऐसा लगेगा बहुत सारा क्वेश्चन बाहर से पूछ लिया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। नेचुरल सी बात है, आईबीएफ का काम ही है कि आपको नंबर वो कम देगा या कम देना का इच्छा है, क्यों समझिए बात, अगर आप फेल नहीं करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा नहीं बार बार। ठीक है, तो आपको ये लॉजिक दिमाग के अंदर रखना है कि मुझे हर हाल में पास करना है, और आपको आउटसाइड क्वेश्चन की जो बुक से बाहर के वो भी आपको समझना होगा कहां से आएगा कैसे आएगा। मैकमिलन बुक में प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो बुक का जो पेजेस है 700 पेज का है, इतना तीन कर लीजिए 2100 पेज, ये एक तरीके से इम्पॉसिबल है कि कोई पूरा बुक पढ़ पाएगा, इम्पॉसिबल है ना भाई, कहां से पढ़ लेगा। तो आपको ये भी चीज पढ़ना करना होगा, आपको स्मार्ट मूव करना होगा, आपको ये समझना होगा भाई मैं कैसे क्या करूं कि मैं 100% पास हो जाऊं, क्या हो जाऊं 100%। ठीक है, ये आपके मन में उद्देश्य होना चाहिए पहली चीज तो। ठीक है, और मैं इसका तरीका बताऊंगा, 3-स्टेप फॉर्मूला है जिसको अगर फॉलो करेंगे तो आराम से आप पास कर जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, तो 3-स्टेप फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए। पहला चीज तो ये समझना है कि हमारा गोल जो नंबर रहेगा वो रहेगा 65% मार्क्स का। हम यहां पे 50% मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे, 50% मार्क्स के लिए हम लोग नहीं पढ़ाई कर रहे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं 65% के लिए, क्यों, यहां पे अगर 1% भी कम रहेगा तो यहां पे आ जाएगा 49% ऑफ मार्क्स, तो आप हो जाएंगे यहां पे सीधा सीधा फेल। हमारा गोल है 65% मार्क्स, तो यहां पे आ जाएगा 64%, चलो मान लो 5% ही रख लो ना, तो भी अगर 5% भी कम आया तो आपका 60% मार्क्स है। इसका मतलब यह हो गया कि हम ये बोल सकते हैं आपको कि आप फर्स्ट क्लास क्या हो गए भाई, पास हो गए, फर्स्ट क्लास पास हो गए। दोनों की विचारधारा में कितना अंतर है, यहां 50 के लिए पढ़ रहे हो, 50 आएगा नहीं, एक नंबर भी कम आ गया तो 49 हो गया, फेल हो गए। 65 के लिए पढ़ रहे, मत आए 65 है, 60 नंबर भी आ गया, 5 नंबर भी कम है, 6 नंबर तो गया, पास ही नहीं फर्स्ट क्लास पास कर रहे। लॉजिकली आपको सोचना है, पढ़ना होगा। अब आइए हम मेथड पे आएंगे, किस तरीके से हम करेंगे कि पक्का आ ही जाए हमारा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी भी है। देखिए, तो हम इसको 3 स्टेप में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। स्टेप नंबर 1 है भाई, सबसे जरूरी है वीडियो कोर्स को करना, नेचुरल सी बात है वीडियो कोर्स आपको करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप 2 हो गया 13,500 सेट का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, और अगर आप यहां से पढ़ के जा रहे हैं तो लास्ट टाइम 35% क्वेश्चंस एकदम मैं बताऊंगा डायरेक्ट आ गया इससे, क्या आ गया डायरेक्ट 13,500, बहुत बड़ा होता है। ठीक है,
सबसे पहला काम है वीडियो कोर्स, उसके बाद क्वेश्चन बैंक करिए। खाली ये पढ़ने से कुछ नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, वीडियो कोर्स फिर क्वेश्चन बैंक। अब जरूरी है कि अब जस्टिफाई करें, हम क्या करें, जस्टिफाई। जस्टिफाई कैसे होगा, ये होगा आपको मॉक टेस्ट की हेल्प से साबित करना होगा ना कि भाई मैं पास कर रहा हूं। तो आपको यहां पे हम लोग 30 मॉक टेस्ट देंगे, वो भी फुल लेंथ वाले, ठीक है, जो रियल एग्जाम में होता है वैसा। तो अगर आप इतना कर रहे हो, पक्का पक्का पास कर जाएंगे। बल्कि हमारा जो गोल था 65% मार्क्स, इससे भी ज्यादा आ जाएगा, इससे भी प्लस आ जाएगा अगर आप तीनों काम कर रहे हैं। वीडियो कोर्स, फिर 13,500 का क्वेश्चन बैंक करेंगे, फिर 30 मॉक टेस्ट देंगे। इतना अगर आप कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो पक्का होना ही होना। जंपिंग मत करिएगा, बस स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा। स्टेप फोर भी एक है कि भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है, तो क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है। ओके, अब हम लोग ने टू टाइप्स के, हमने यहां पे JAIB का कोर्स या प्रोग्राम हम लोग करवाते हैं। दो में से जो इच्छा वो आप कर सकते हैं। एक का नाम हो गया फेस टू फेस वीडियो कोर्स, दूसरा का नाम हो गया बैच सिस्टम, ठीक है। ये दो तरह के प्रोग्राम होते हैं हमारे यहाँ। अब दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस समझ जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। बेस सिस्टम का मतलब है यहां पर लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, और रात के 9 बजे होता है। कारण है 9, ऐसा टाइम है 9 बजे, चाहे क्लर्क ऑफिसर मोटा मोटी सभी को टाइम मिल जाता है, उस समय आप आके पढ़ाई कर सकते हैं, समझ गए। इसलिए हम लोग लाइव क्लासेस चलाते हैं रात के कितना बजे, 9 बजे, ठीक है। इसमें एक वैलिडिटी की सिस्टम है, वैलिडिटी हो जाएगा 6 मंथ्स, 6 महीने तक का ही इसमें वैलिडिटी है। 6 महीना खत्म हो जाएगा, आपको दोबारा पैसा देके आपको कोर्स लेना होगा। एक चीज और, इसका डिमेरिट भी बता देता हूं, हर चीज मेरिट है तो डिमेरिट भी है। लाइव क्लासेस है नेचुरल सी बात, बट लाइव क्लासेस पढ़ कितने पाते हैं, अगर 100 बच्चे ज्वाइन किए हैं, 1 महीने के बाद देखेंगे रेशियो घट के 10 लोग हो जाते हैं, मुश्किल से 10 ही लोग लाइव आ पाते हैं। कारण यह है कि वो भूल जाते हैं, याद नहीं रह पाता, जरूरी घर से 9 बजे वो हाजिरी हो जाए, कभी उनका मूड नहीं कर रहा है, 100 तरह की बात होती है। क्योंकि आप यहां पर नौकरी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि पूरा दिन खाली है और आके आप पढ़ लेंगे। यहां एक सबसे बड़ा ये डिमेरिट है इसका, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा मेरिट क्या है, और हम यही कोर्स आपको रिकमेंड भी करेंगे कि आप यही कोर्स करें, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने टाइम से पढ़ सकते हैं, यानी वीडियोस रिकॉर्डेड होती है, ठीक है। आप स्टडी जो है एनी टाइम और एनी वेयर कर सकते हैं, और एक और चीज है, प्लस अनलिमिटेड स्टडी कर सकते हैं। अनलिमिटेड स्टडी का मतलब क्या है कि मान लो कि आज मेरे को सैटरडे संडे मिल गया है, मैं चाह रहा हूं 2 दिन में पूरा कोर्स खत्म करूं, पूरा का मतलब है मैक्सिमम कर लो, ठीक है। आप कर सकते हो क्योंकि वीडियो तो पहले से अपलोडेड है, सारा रिकॉर्डेड आप देख लो, जितनी मर्जी उतनी देखो। यहां पे वेट करना पड़ेगा, 1 दिन में 1 पढ़ा रहे, चैप्टर 2 पढ़ा रहे, चैप्टर 3 पढ़ा रहे, उतना ही पढ़ पाएंगे ना, पर यहां पे वो चीज नहीं है, ठीक है। अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए तो भी एक चक्कर है, यहां तो सारा चीज आपको बेनिफिट है, जब मर्जी है तब पढ़ लो, जब इच्छा है तब पढ़ लो। उससे भी बड़ा बात, एक सवाल हो जाती है वैलिडिटी को, या हो गया लाइफ लॉन्ग। अब जो लाइफ लॉन्ग मिल रहा है, जब तक आपका पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक आप पढ़ाई कर सकते हो, जो यहां नहीं है पर यहां पे है। उसके बाद एक और फायदा है, इसमें क्या है, मैं आपको एक वर्जन 1 प्लस वर्जन 2, ये दोनों के दोनों प्रोग्राम आपको दूंगा, यानी दोनों मिलेंगे। अगर आप ये खरीद रहे हैं तो ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, इसलिए प्लस लगा रखा है। वर्जन 1 वहां पे ठीक है, इसमें हम लोग क्या किया, 24 आवर में आप कोर्स को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोटा मोटी आप समझिए कि 80 आवर्स का, 80 भी नहीं बोली, 80 ज्यादा हो जाएगा, 72 आवर्स का बेसिकली हम बोल सकते हैं ये कोर्स होता है। ये थोड़ा सा डिटेल्ड होता है, डेप्थ होता है, ठीक है, और एकदम लॉलीपॉप पढ़ाया हुआ, एकदम इजी वे टू अंडरस्टैंड है ये, ठीक है।
ओके देखिए वर्जन वन वहां पे ठीक है, अगर आपको मैं बोलूं कि दो दिन बचा है एग्जाम से पहले, तीन दिन बचा है, तो वहां वर्जन वन पढ़िए सही है, पर वर्जन टू अगर आपका एक महीना का टाइम, वन मंथ टाइम है, तो भाई आप वर्जन टू पढ़ो क्योंकि ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बढ़िया है ये। हाँ आप जब चाहेंगे तो वर्जन टू से वर्जन वन आ जाइए, वर्जन वन से वर्जन टू आ जाइए, आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी मर्जी, जैसे चाहेंगे वैसे आप स्विचिंग कर सकते हैं। हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्विचिंग करने का भी यहाँ पे एक ताकत है आपके पास, ठीक है, कोई रोका टोका नहीं है आपको, जो मर्जी वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया यहाँ पे, और हम लोग यही कोर्स आपको बोलेंगे भी, रिकमेंड भी करते हैं कि यही कोर्स करिए, फेस टू फेस सबसे बेस्ट है ये, ओके। अब आ जाते हैं कोर्स के कंटेंट के ऊपर, क्या आप देते हैं, हम लोग यहां बात कर रहे हैं कोर्स कंटेंट, तब क्या दे रहे हैं कोर्स कंटेंट वो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो कोर्स, नेचुरल सी बात है दोनों जगह रहेगा, ठीक है। फिर आ जाएंगे नोट्स, ये पीडीएफ के फॉर्मेट में रहता है नोट्स, ये भी दोनों जगह रहेगा। तीसरा हो जाएगा आपका, हम जिसे केस स्टडी भी बोलते हैं, या हम इसको न्यूमेरिकल भी बोलते हैं, इसका वीडियोस रहता है, ये भी दोनों जगह। चौथा आपको लीगल का, बेसिकली लीगल का सिचुएशनल एनालिसिस का वीडियो है, ये भी दोनों जगह रहेगा। पांचवा 13,500 सेट का क्वेश्चन बैंक है, ये भी पीडीएफ के फॉर्मेट में होता है, ये दोनों जगह। अब जो 13,500 सेट का है, इसे हम ये बोल सकते हैं 4,500 का सेट का क्वेश्चन बैंक है, बेसिकली 4,500 सेट का ही क्वेश्चन बैंक है। इस 4,500 सेट में पर पेपर कैसे है वो समझते हैं हम लोग, इसको हम लोग तीन भाग में बांटेंगे। एक हो गया 2,000 सेट का प्रीवियस ईयर है, जो पिछले साल मतलब पिछला मतलब 15 साल का 20 साल का क्वेश्चन होता है। फिर 2,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 500 मॉक टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं, छठा क्या हो जाएगा 30 मॉक टेस्ट है इसके अंदर। तो सारा चीज है, ये सब चीज आपको दोनों जगह है, तो ये आपके सामने पूरा डिटेल्स आ गया, ठीक है, ओके। अब हम लोग यहां बात करेंगे दो तीन चीजों के ऊपर। JAIIB का अगर आप प्रिंसिपल्स या फिर आप लीगल करना चाहते हैं, कोई भी पेपर कर लीजिए आपकी मर्जी, यहां दाम है ₹1,000, यहां दाम है ₹1,200। JAIIB का अगर आप अकाउंटिंग का पेपर करते हैं तो इसका दाम है यहां पे आपको ₹1,200, और यहां पे दाम है ₹1,500। JAIIB का अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं, कॉम्बो पैक का मतलब हो गया ऑल थ्री पेपर्स, ठीक है, तो यहां पे इसका प्राइस है ₹2,400, यहां प्राइस है इसका ₹2,700, सॉरी 3,000, माफ करिएगा ₹3,000 यहां पे इसका प्राइस है, ओके।
ज्यादा जानकारी के लिए आप फोन भी कर सकते हैं, कॉलर्स नंबर है 4 times 9 6 8 5 1 2 7, दूसरा नंबर है 7 8 2 7 5 4 6 9 4 6। आप वेबसाइट में भी जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर, जो वेबसाइट है वो हो जाएगा www.jaiibcaiibstudymaterial.com और ईमेल आईडी हो जाएगा आपका sidsinha123@gmail.com। ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।